हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से अपन आरपीएससी एग्जाम, जिसकी मतलब आरपीएससी की एटीपी एग्जाम जो आई है, जिसके अंदर इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किया था कि अगर आप एक आरपीएससी का सिलेबस देखोगे तो आप इसको 4 to 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें से फर्स्ट पार्ट आता है उसका प्लानिंग का। दैट प्लानिंग मीन्स मेटेरियल प्लानिंग, प्लानिंग थेरीज, जो अभी प्लानिंग हो रही है, रीजनल प्लान, डेवलपमेंट प्लान, टाउन प्लानिंग स्कीम, लैंड पूलिंग एक्टिविटीज, देन जो भी न्यू टाउन्स डेवलप हुए हैं, न्यू सिटीज डेवलप हुए हैं, वो सब इस प्लानिंग के हेड के अंडर कवर होता है। उसके बाद जो है, एक है ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि पूरे ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग पूरा एक्सप्लेन है, पूरे सब पॉइंट्स है। सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट, टीएनटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज करंट अफेयर, दैट करंट अफेयर बोलिए, या फिर आप उसे बोल सकते हो इट इज रिलेटेड टू द राजस्थान थिंग, विच इज योर पार्ट ए, राइट। द नेक्स्ट पार्ट इज एनवायरमेंट, जिसमें एनवायरमेंटल प्लानिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल लॉज, ये सब चीजें आपको एनवायरमेंट ये सब हेड में मिलेंगे। एंड द अदर इज द रिमेनिंग पार्ट। सो ऐसा अगर आप पूरा सिलेबस देखोगे तो इसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। सो राइट नाउ आई एम डीलिंग विद द प्लानिंग वाला पार्ट, जिसमें प्लानिंग थेरीज में स्टार्ट से स्टार्ट करूंगी, जिसके अंदर अपन थोड़ा सा पहले बेस बनाएंगे कि प्लानिंग क्या होता है और कौन सा, ये प्लानिंग आज का नहीं है, ये हड़प्पा संस्कृति के पहले से ये सब कुछ चल रहा है। सो उसका थोड़ा सा एक बेस लेंगे, देन विल मूव लिटिल मींस धीरे धीरे अपन सब अभी तक क्या है प्लानिंग से रिलेटेड वो सब चीजें कवर करेंगे। ऐसा ही सेम एक लेक्चर आपको ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन पे मिलेगा, एक करंट अफेयर पे मिलेगा, एक एनवायरमेंट पे मिलेगा, और इसी से आपको एक आइडिया आ जाएगी कि अपन कैसे पढ़ाई स्टार्ट की जाए। तो फर्स्ट जो अभी अपन थोड़ा सा टच करेंगे टॉपिक्स को, कि हिस्ट्री ऑफ द टाउन प्लानिंग, कंसेप्ट ऑफ टाउन प्लानिंग, कि व्हाट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन द अर्बन डिजाइन, आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग, एंड देन वी विल कम टू द अर्बन प्लानिंग। देर आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ द टाउन, इट इज अकॉर्डिंग टू द URDPFI, इट इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द सेंसस, इट इज डिफरेंट। सो वो हम एक बार कवर करेंगे। फिर प्लानिंग थेरीज है, गार्डन सिटी है, सिटी ऑफ टुमारो, पैट्रिक गेडिस का ट्रायो कंसेप्ट है, क्लेरेंस पेरी का नेबरहुड कंसेप्ट है, कॉन्सेंट्रिक बर्गर्स का कॉन्सेंट्रिक जोन है। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थेरीज हैं, जिसे हम प्लानिंग थेरीज कहते हैं, वो यहाँ पूरा कवर होगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पूरे एमपीएससी एटीपी एग्जाम में ये हेल्पफुल होने वाला है। अभी तक हम एमपीएससी की क्लासेस मतलब एटीपी रिलेटेड थे। सिमिलरली वी आर एक्सक्लूसिवली इन दी प्लानिंग पार्ट। अब आरपीएससी में जो भी आपका सिलेबस है, या मतलब जो जो छोटे छोटे वीडियोस मैं यूट्यूब पर डालूंगी, सो मिस ना हो इसीलिए आप वो उसे सब्सक्राइब करके रखिए। नाउ व्हाट इज एन अर्बन प्लानिंग, सो व्हाट इज योर कंसेप्ट। सी पहले क्या होता था, जैसे आप जब पैट्रिक गेडिस का या फिर गार्डन सिटी में आपको जब सिखाओगी, तब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम एक्सपांड हो रहे हैं, फिर हमें प्रॉब्लम आ रहे हैं, देन वी आर डूइंग द प्लानिंग। बट एक्चुअली व्हाट इज द प्लानिंग, वी हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, एंड फ्यूचर की आज से ही की गई प्लानिंग इज अ अर्बन प्लानिंग, इज अ गाइड टू फ्यूचर ऑफ द कम्युनिटी। मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हमें आज से प्लान करना चाहिए, सो एज टू हैव एन होलिस्टिक अप्रोच। सो दैट इज व्हाट द अर्बन प्लान इज। देयर आर द मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स, जैसे अभी अपन आगे जाकर देखेंगे कि प्रोस्पेक्टिव प्लान्स होते हैं, रीजनल प्लान होते हैं, डेवलपमेंट प्लान है, लोकल एरिया प्लान है, जोनल प्लान्स है। सो ऐसे बहुत अलग अलग टाइप्स के प्लान होते हैं। तो व्हाट इज एन अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड,
हाउ अ प्लेस कुड बी इन अ बेटर पोजीशन इन द फ्यूचर, यानी वो क्योटिक बनने के बाद ही उसे ठीक करना जरूरी नहीं है। आज से ही अगर अपन ने फ्यूचर का प्रॉब्लम, मतलब फ्यूचर का अगर टेंशन ले लिया, तो वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो दिस इज व्हाट द अर्बन प्लान मोस्टली कनेक्ट विद द थ्री पीस। वी आर कॉन्सेंट्रेटेड टू पीपल, वी आर कॉन्सेंट्रेटेड विद द प्लेस एंड द प्लान। सो दीज इज द ट्रायो, मतलब पेट्रिगेडिस का भी ट्रायो थोड़ा बहुत ऐसा ही है, बट अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड थ्री पीज है, पीपल प्लेस एंड प्लान। सो कम्युनिटीज टेक स्टॉक्स ऑफ वेयर दे आर एंड वेयर दे वॉन्ट टू गो। सो इसी को अपन प्लानिंग कहते हैं। वॉट एवर द करंट सिचुएशन इज देयर रिगार्डिंग टू द कम्युनिटी, यू हैव टू एनहांस इट, यू हैव टू मेक इट एट अ बेटर प्लेस, यू नीड टू इम्प्रूव दैट, एंड बाय इम्प्रूविंग दैट द प्लान फॉर द बेटर कम्युनिटी विल बी देयर। सो दिस इज हाउ द थ्री पीस वर्क। पर ये मतलब प्लानिंग का बूस्टअप एकदम से कैसे आया, ये एकदम से नहीं आया, इट इज एन फ्रॉम दी ओल्ड 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 एज, बट तब इतना पॉपुलर इसीलिए नहीं था। सी बिकॉज ऑफ बिफोर द इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इज एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीकल्चर बिजनेस पे ही डिपेंड रहते थे, और उनका सोर्स था लैंड, और सिटीज भी कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं थी, रिसोर्सेज भी लिमिटेड थे, ट्रांसपोर्टेशन भी उतना डेवलप नहीं हुआ था। सो एट दैट टाइम बहुत ज्यादा अपने को प्लानिंग की नींद नहीं लग रही थी, बट एज सुन एज द इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब हो गया, सो क्या हो गया कि पीपल स्टार्टेड अट्रैक्टिंग टू द सम, मतलब जिधर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, जिधर इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, सो पीपल स्टार्टेड गोइंग टू दैट लोकेशन, एंड इट क्रिएट्स द अर्बनाइजेशन इन दैट टाउन। एंड वंस इट इज अर्बनाइज्ड, सो वो सिटीज को वो सब स्ट्रेस लेने उतना रिसोर्सेस उन लोगों के पास नहीं रहे। सो वी नीड, वी शुड हैव अ बेटर प्लानिंग, वी शुड हैव अ बेटर प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर द रिसोर्सेस, एंड दैट बिकम्स द नीड फॉर द प्लानिंग। सो दिस इज हाउ द प्लानिंग प्रोसेस इवॉल्व्स। अब अगर आप इस चीज को ही देखोगे, तो यहाँ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ नीड ऑफ द प्लानिंग पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वो विच, मतलब विच ऑफ द फैक्टर्स कैन बी फॉर द डिमांड ऑफ द प्लानिंग। सो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, और आप एकदम इजीली, एकदम बेसिकली आप इमेजिन कीजिए कि हमें टाउन प्लानिंग की नीड क्यों लगने लगी, एंड यू कैन टेक दैट आंसर। सो इसी हेतु देर आर द डिफरेंट प्लान्स, मतलब रीजनल प्लान, डेवलपमेंट प्लान, जिसको दिल्ली साइड में अगर आप जाओ तो मास्टर प्लान बोलते हैं, विलेज प्लान, एनवायरमेंटल प्लान, टाउन प्लानिंग स्कीम्स, एरिया डेवलपमेंट, प्रोस्पेक्टिव प्लान, सेक्टरल प्लान, लोकल एरिया प्लान। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लान, एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्केल्स दीज आर क्लासिफाइड। सो सबसे फर्स्ट इज अ प्रोस्पेक्टिव प्लान, सो दैट वी हैव अ विजन। प्रोस्पेक्टिव प्लान का मतलब क्या हो चुका है कि आज अगर मुझे राजस्थान से रिलेटेड टूरिज्म का कोई प्लान बनाना है, सो दिस इज द प्रोस्पेक्ट, दिस इज द विजनरी प्लान, सो दैट इज नोन एज द प्रोस्पेक्टिव प्लान। अगर मुझे जोधपुर को लेकर, सिर्फ वो जोधपुर रीजन के लिए, वॉट एवर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डेवलप्स, अगर उस चीज का एक पॉलिसी लेवल प्लान बनाना है, तो दैट इज द रीजनल प्लान। एक स्पेसिफिक टाउन बोलो या सिटी बोलो, इन चीज का मुझे अगर प्लान बनाना है, तो दैट बिकम्स द डेवलपमेंट प्लान। किसी विलेज का बनाना है, इको विलेज का, सो दैट बिकम्स विलेज प्लान। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्केल ऑफ द रीजन, वी हैव डिवाइडेड इट इनटू द मेनी टाइप्स ऑफ द प्लान्स। अपन ये डिटेल में देखेंगे यूआरडीपीएफआई गाइडलाइंस में। अब द टाइप्स एंड द नेचर ऑफ द प्लान्स वेरीज अपॉन द विच फैक्टर्स, दिस कैन बी द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट या फिर जोधपुर टाउन या फिर जोधपुर का किसी एरिया, सो एरिया ऑफ द प्लेस, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ द प्लेस,
we have divided into the parts. Again, time span, जैसे prospective vision जो है मेरा tourism का, वो मुझे 25 to 30 years is my vision. वही अगर मैं regional plan या development plan देखूँ, तो 20 years becomes my vision. वही मैं किसी zonal plan देखूँ, तो maybe 5 to 10 years will become my vision. So depending upon the time span, the different types of plan is divided. Even the demographic projection, मुझे कितना वहां जैसे अभी प्रोस्पेक्ट हो चुका है, पूरा राजस्थान मैंने कवर किया है, सो दैट हैज द पीपल दैट हैज द पॉपुलेशन ऑफ एक्स अमाउंट. जब मैं उसी एक पर्टिकुलर रीजन पे आ जाऊंगी तो मेरा पॉपुलेशन बदलेगा, एक पर्टिकुलर सिटी पे आओगी तो मेरा बदलेगा, एक पर्टिकुलर विलेज पे आऊंगी. सो डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, डिपेंडिंग अपॉन द डेमोग्राफी, द टाइप्स ऑफ प्लान चेंजेस एंड इवन विद द ज्योग्राफी. इफ यू विल लुक कि डेजर्ट एरिया will have and different geography and depending upon that the plans changes. Sabhi jaga same nahi hoga, so depending upon that the plans changes. So that is what the geography. So these are the four factors on which we have divided the different types of plans. So what are the components of this plan? Yes, we have to make plan, but on what factors? So first is infrastructure. So whatever the water supply, solid waste, sewerage, traffic and transportation, these are the infrastructural point of view. मतलब सब किसी भी location का अगर आप study कर रहे हो, तो उससे related infrastructure आपको पहले analyze करना पड़ेगा, जो है water supply, solid waste, sewerage, traffic, transportation. But वही अगर socio-economic components जो है कि जो बेसिक एमिनिटीज सॉरी बेसिक यूटिलिटीज है अपने, हाउसिंग हो गया है, शेल्टर है, फूड है, कल्चरल हेरिटेज होगा तो वी हैव टू दैट प्रिजर्व दैट कल्चरल हेरिटेज. इफ देयर विल बी सम डिजास्टर, सो वी शुड हैव अ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर प्रिकॉशंस. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये सब तो इसके साथ साथ वी शुड हैव एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द टाउन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ द प्लान. सो बेसिकली वॉट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर, अर्बन टाउन, अर्बन डिजाइन, अर्बन प्लानिंग एंड वी कैन से दैट द सिविल इंजीनियरिंग. So what is exactly the difference? Whenever we consider the architecture, it is as good as the way of planning, the way of plan houses. So what should be the look? What should be the function? That is covered under the architecture. So that is what the primary orientation is, aesthetic and a function. But when it goes to the urban design, that is the space between the building and the street, means that is the street, park, these are the urban designs. Wahi agar aap civil engineer ki baat karo, so they both are linked, kyunki ye jo bhi plan dete hai, inhe execute karna is the civil engineer. Sub parts are structure, geotech, all the functions is going to used in the architect and the civil. Theek hai? Aur wahi what is urban planning? वही पूरे सिटी को, पूरे टाउन को अगर आप प्लान कर रहे हो यूटिलिटी वाइज, देन इट कम्स अंडर द अर्बन प्लानिंग. दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग, अर्बन डिजाइन, सिविल इंजीनियर. सो व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टाउन प्लानिंग? सो वी शुड हैव अ वेल बैलेंस्ड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द town planning. Why it comes up? So we should have a linkage between the people, so it comes as a social. We should have an economic development, otherwise means jaise social development hai, but agar economic development usi tarah badi nahi, to it is going to means it is not going to work out. So we should have a balance between the social and economic development so that the quality of life is going to enhance. Same the rational use of land, jo bhi ho raha hai, we should have a rational use of that and responsible administration, matlab jo bhi administration hai, it should be a proper, in a proper way.
सो हेल्थ कन्वीनियंस एस्थेटिक एंड ब्यूटी लैंड यूज जोनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टाउन प्लानिंग. सो कमिंग टू द प्रोसेस दिस इज एज वेरी कॉमन प्रोसेस. मैं ये बोल नहीं रही हूँ कि ये अर्बन प्लानिंग प्रोसेस है. वेन एवर इट इज गोइंग टू बी हैपन इट इज इन दिस वे ओनली. यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यू हैव टू डिफाइन दैट प्रॉब्लम, देन यू हैव टू गिव एन ऑब्जेक्टिव की कौन से टाइप के ऑब्जेक्टिव अपने को चेकआउट करना है. देन वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यू आर गोइंग टू कलेक्ट द डेटा, देन यू आर गोइंग टू एनालाइज दैट डेटा. डेटा एनालिसिस के बाद आपको ऑब्वियसली आप प्रोस्पेक्टिव प्लान बना रहे हो या रीजनल प्लान बना रहे हो या डेवलपमेंट प्लान बना रहे हो, यू हैव टू फोरकास्ट इट फॉर हाउ मेनी इयर्स यू आर गोइंग टू प्लान. सो यू आर गोइंग टू फोरकास्ट इट. सो डिपेंडिंग अपॉन द फोरकास्टिंग डिजाइन फिक्स द प्रायोरिटीज व्हाट द प्रायोरिटीज यू हैव टू गिव. मतलब आपको पहले प्रायोरिटीज किस किस चीज को देना है उसको आपको प्रायोरिटीज प्लान बनाना पड़ेंगे एंड देन यू इम्प्लीमेंट एंड देन रिव्यू. सो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ प्लानिंग दैट वी आर गोइंग टू एडॉप्ट. आज मैं सिर्फ टाइप्स ऑफ ग्रोथ तक लूंगी. सो विल कवर दिस ऑल द टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड देन विल कम टू नो कि ये किस तरीके से वर्कआउट होता है. सी टाइप्स ऑफ ग्रोथ इट इज बेसिकली टू टाइप्स. एक तो एक ओरिजिन या डिरेक्शन. देखिए अपन पहले ये दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डिरेक्शन. आज अपने पास लैंड जब अपन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे अभी अपन ने देखा कि लैंड इज इन अबेंड मतलब बहुत अवेलेबल थी अपने पास लैंड. लैंड वाज नॉट अ प्रॉब्लम एट दैट टाइम. सो अगर आप देखोगे तो बंगलो फैशंस होते हैं. अगर आप विलेज या छोटा किसी गांव को देखते हो सो मोस्ट प्रोबेबली हॉरिजेंटल वो लोग जाते हैं. सो दैट इज व्हाट द ग्रोथ. बट व्हेन यू कम्स टू द मेट्रो सिटीज इट इज गोइंग वर्टिकल बिकॉज लैंड इज द प्रॉब्लम. अगर आप मुंबई को देखते हो तो एक साइड से मतलब सी है, एक साइड से हिल है. सो वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ अ लैंड. सो वी आर गोइंग वर्टिकल 70 फ्लोर्स 150 फ्लोर्स. सो दिस इज द डिरेक्शनल ग्रोथ. कोई भी सिटी को दो टाइप्स के ग्रोथ है, एक तो हॉरिजेंटल जाते हैं या वर्टिकल जाते हैं. द अदर पॉइंट इज ओरिजिन. सो ओरिजिन में भी नेचुरल और प्लान. जैसे प्लान में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे जयपुर आपका है, जमशेदपुर है, उसके बाद गांधीनगर है, चंडीगढ़ है, नया रायपुर है, अमरावती है. दीज आर द प्लान सिटीज. सो दैट वॉज द ग्रीन फील्ड एंड उसके ऊपर डेवलपमेंट गई है. सो दीज आर द प्लान सिटीज. बट वेन इट कम्स टू द नेचुरल ग्रोथ फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेंट्रेट. मतलब क्या हो चुका है ये चीज अपन फिर से बर्गेस के थ्योरी में देखेंगे. बट व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक? एक सर्कल है उसी के अराउंड में गांव बढ़ते जा रहा है. सो पीपल हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू लीव एज नियर एज पॉसिबल टू द टाउन. सो इट स्टार्ट क्रिएटिंग इनटू द सर्कल पैटर्न. सो दैट इज व्हाट इट इज नोन एज द कॉन्सेंट्रिक जोन. ठीक है, कॉन्सेंट्रिक स्प्रे. व्हेन इट कम्स टू द रिबन डेवलपमेंट इट विल बी अलोंग द रोड. बहुत पहले के अगर आप टाउन्स देखोगे तो दे मतलब उन्हें रोड के अलोंग ग्रोथ हो चुकी है उन लोगों की बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द रोड सर्फेस एंड द ग्रोथ ऑफ द मोटर ट्रैफिक. एवरी वन बिल्ड्स और ऑक्यूपाई द प्लेस एज नियर एज पॉसिबल टू द मेन रोड. सो दैट इज नोन एज द रिबन डेवलपमेंट. वेन इट कम्स टू द सैटेलाइट टाउन मीन्स क्या कि एखादा टाउन वी नो दैट दिस अहमदाबाद इज गोइंग टू डेड वन डे. सो बेटर टू हैव अ काउंटर मैग्नेट टू दैट सो दैट द पीपल स्टार्टेड लिविंग इन द अदर वे. दिस इज द सैटेलाइट टाउन, दिस इज द सैटेलाइट ग्रोथ. वी कैन नॉट फोर्स पीपल टू गो आउटसाइड बट इफ वी शिफ्ट द एक्टिविटी टू सम अदर प्लेस काउंटर मैग्नेट इट विल एक्ट एज अ काउंटर मैग्नेट. इट विल हैव देयर ओन एंटिटी. इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑन द पेरेंट. मतलब ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है. सो चाइल्ड पे वो डिपेंड चाइल्ड अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा रादर देन कुछ सिंपल सिंपल एक्टिविटी के लिए. मैं ये सैटेलाइट ग्रोथ पूरा एक्सप्लेन करूंगी आपको थेरीज में. बट अभी जो है वो चाइल्ड पे ज्यादा डिपेंडेंस मतलब वो दे हैव देयर ओन
म्युनिसिपल काउंसिल, दे हैव देयर ओन एवरीथिंग, बट फॉर लिटिल बिट एक्टिविटीज दे डिपेंड्स अपॉन द पैरेंट. सो दैट इज नोन एज द सैटेलाइट ग्रोथ. स्कैटर्ड ग्रोथ, वी ऑल नो दैट, कि कोई भी टाउन किसी भी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, देयर इज इररेगुलर वेज, ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, सब कुछ स्लम्स है, ये है वो है. सो दैट इज वॉट द स्कैटर्ड ग्रोथ. दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ. आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी है कि बेसिक में आपका सिर्फ बेस बना रही हूँ, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट टॉपिक्स वन बाय वन. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.